जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने ना रिसेंटली यूट्यूब पे अपना चैनल ओपन किया है। प्रमोशन करनी मुझे आती नहीं है, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सलाह दी तो टिकटॉक पे करना अपना प्रमोशन। अब टिकटॉक सुन के एक बार तो मैं हैरान हो गई, पर अब आप लोगों से क्या छुपाना, आप तो अपने ही लोग हो। वो सिर्फ फ्रेंड नहीं था मेरा, ना कॉलेज का क्रश था। अब क्रश की बातें तो क्या होता है, सीधा दिमाग, दिल, किडनी, लीवर सब पे जाके लगती हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ और हो गई मेरी बुद्धि भ्रष्ट। तो मैंने टिकटॉक खोल के देख ही लिया कि लोग इस पे आखिर कर क्या रहे हैं। पता है मैंने क्या देखा, कि अगर मैं बस ऐसे बाल झटका दूं और वॉकिंग करूं तो लोग मेरे फैन हो जाएंगे, और इसी तरह मैं अगर थोड़ा सा ऐसे मुजरा कर दूं टिकटॉक के ऊपर तो लोग मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे। मतलब यार ये तो कमाल अलग ही दुनिया है, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। अबे ओ, इतनी पढ़ाई लिखाई क्या टिकटॉक पे मुजरा करने के लिए की थी? यूट्यूबर से टिकटॉक क्या बनेगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना टिकटॉक या, मैं नहीं करने वाली ये सब, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। पर यार ये जो लोग टिकटॉकियां हैं, क्या इनके दिमाग में कोई फर्क है? मतलब कोई ब्रेन का पार्ट यू नो कम ज्यादा हो, वैसे ऐसा होता है क्या कि किसी के ब्रेन में कोई पार्ट कम या ज्यादा हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड बीजी, वेयर लर्निंग बायोलॉजी इज फन। वैसे ना असली मजा तो बचपन में ही था, बस खेलो कूदो और चंपक पढ़ो। अच्छा, जब मैं चंपक पढ़ती थी ना, एक करेक्टर मुझे बड़ा पसंद था, उसका नाम था चाचा चौधरी। बड़ा दिमाग तेज था यार बंदे का, कंप्यूटर से तेज दिमाग था, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं जो वो सॉल्व ना कर सके। फिर ना मैंने बचपन में सोच लिया मुझे ना चाचा चौधरी जैसा तेज बनना है। तो मैंने मम्मी से जाके पूछा, मम्मी मैं क्या करूं जो मेरा दिमाग तेज हो जाए? मम्मी बोलती, बेटा बादाम खा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भाई से जाके पूछा, यार मैं क्या करूं जो मेरा दिमाग तेज हो जाए? भाई बोलता, ऐवे ही नहीं होता दिमाग तेज, मैथ के ना पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, फिर होता है दिमाग तेज। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल काम हो गया। फिर मैंने पापा से जाके पूछा, पापा क्या करूं मैं दिमाग तेज करने के लिए? पापा हंस के बोले, अरे बेटा बस तू नेशनल पे ज्ञान दर्शन देख, अपनी जूते को चंपक लाके देता हूँ वो पढ़, और पोगो पे तू देख ले मैड, बस तेरा हो जाएगा, तेरा दिमाग तेज हो जाएगा। मैंने कहा ये बेस्ट है यार, यही करते हैं। तो ऐसा किया मैंने बचपन में। फिर जब मैं बड़ी हुई, मुझे पता चला इस बंदे के बारे में, कौन है ये, एल्बर्ट आइंस्टाइन। यार ये पता चला ये तो रियल लाइफ का जीनियस है, मतलब ऐसी ऐसी थ्योरीज, ऐसी ऐसी बातें कह गया जो अपने को तो बाउंस बैक हो गई, समझ ही नहीं आई कि क्या बोल के गया है। तो मुझे लगा यार ये क्यों इतना जीनियस है और मैं क्यों नहीं, मतलब इसके दिमाग में क्या अलग है? मुझे लगा शायद दिमाग में कुछ अलग होगा, पता नहीं कुछ तो हो गई। तो बाद में पता चला ये सवाल कि इसके दिमाग में क्या अलग है, ये काफी सारे लोगों के माइंड में आया। और एक साइंटिस्ट था, एक डॉक्टर था जिसका नाम था थॉमस हार्वे। तो जब आइंस्टाइन की डेथ हुई, उसे बुलाया गया कि आप इनकी ऑटोप्सी करो। तो उसने क्या किया, चुपके चुपके चोरी चोरी आइंस्टाइन का ब्रेन चुरा लिया और प्रिजर्व करके रख दिया फॉर्मेलिन में, किसी को बताया भी नहीं, चुपके चुपके कर लिया ये सारा काम। पर कुछ समय बाद, कुछ इयर्स बाद, उसने रिवील किया कि मैंने ना आइंस्टाइन का ब्रेन प्रिजर्व करके रखा है। फिर उसे परमिशन मिली और आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च की गई, और सच में पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन कुछ अलग है, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन से कुछ उसमें अलग है। अब समझने के लिए, जानने के लिए कि आइंस्टाइन के ब्रेन में अलग क्या है, हमें पहले जानना पड़ेगा नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो अब हम जानेंगे नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन कैसा होता है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो एक काफी कमाल का ऑर्गन है, ये बॉडी के सभी अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, चाहे वो थिंकिंग हो या बॉडी मूवमेंट हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कुछ थिंकिंग तो यार दिल भी करता है, मूवीज में बताते नहीं है तो दिल से सोच दिमाग से मत सोच। तो क्या होता है, वो सिर्फ मूवीज की बात होती है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। रियल में जितने भी थॉट्स आ रहे हैं सबका सोर्स है तुम्हारा ब्रेन। पर इससे क्या पता लगता है कि ब्रेन इतना कैपेबल है कि वो इमोशनली भी सोच ले और वो लॉजिकली भी सोच ले। तो जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो सब ब्रेन के थ्रू ही आते हैं। दूसरा यार ये फास्ट भी बहुत है। कैसे, अब 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, स्किन, टंग, ईयर्स, आई एंड नोज। ये ना
बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करता है। अब इसको ऐसे समझो कि तुम खा रहे हो पिज्जा, ठीक है, जैसे ही पिज्जा टंग से टच हुआ, सेंसरी ऑर्गन टंग से टच हुआ, वैसे ही ब्रेन ने बता दिया उसका टेस्ट क्या है। इसी तरह स्किन यहाँ टच हुई, ब्रेन यहाँ है, उसने बता दिया कि भाई टच हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला जो कम्युनिकेशन है इतना फास्ट है, इसमें ना एक तरह का स्ट्रक्चर हेल्प करता है जिसे हम बोलते हैं नर्व्स। तो ब्रेन, नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीजें होती हैं जो साथ में मिलके एक सिस्टम बनाती है जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम है ये मेनली दो तरह के सेल्स से बनता है जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स एंड ग्लायल सेल्स। तो ये जो न्यूरॉन एंड ग्लायल सेल्स हैं ये आपस में मिलके इफेक्टिवली हमारे ब्रेन को काम करने में मदद करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को, और हम ह्यूमन ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके आज पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें हम थ्री पार्ट्स क्या ले सकते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरिब्रम की। तो देख के पता ही लग रहा है कि ब्रेन का ये काफी बड़ा पार्ट है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो है ब्रेन का उसे हम बोलते हैं सेरिब्रम। अब तुम देखोगे इसमें कुछ फोल्डिंग है, तो ये जो फोल्ड्स हैं इसके और जो इसकी लुक है बिल्कुल ना अखरोट जैसी है, और लिटरली होती भी है। इसको टॉप व्यू से देखो तो इसे अखरोट में दो हाफ होते हैं, इसमें भी दो हाफ है, तो इन्हें हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये जो दोनों हाफ हैं इनके फंक्शंस ना थोड़े अलग अलग होते हैं। अब जैसे जो राइट हाफ है उसका मेन काम होता है क्रिएटिविटी में, ठीक है, जो भी क्रिएटिव थॉट्स हैं, जो क्रिएटिविटी हो रही है वो राइट हाफ से आ रही है। इसी तरह जो आर्ट और म्यूजिक की सेंस है, जो स्पेशियल सेंस है, स्पेशियल सेंस है मतलब है कि कोई स्पेस तुम देख रहे हो तुम्हें पता लग रहा है कि कोई चीज पास है या दूर है, तो वो होगी तुम्हारी स्पेशियल सेंस, वो सब किससे आ रही है, राइट हाफ से। इसी तरह जो लेफ्ट हाफ है वो हेल्प कर रहा है तुम्हें लॉजिकली थिंक करने में, तुम्हें अरिथमेटिक्स को समझने में जो हेल्प कर रहा है, लैंग्वेज में, स्पीच में, इस सब में राइट हाफ मदद कर रहा है। तो कुछ लोग होते हैं उनका लेफ्ट हाफ डोमिनेंट होता है तो वो ज्यादा लॉजिकल होते हैं, कुछ होता है उनका राइट हाफ डोमिनेंट होता है तो वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। पर यार ऐसा तो नहीं है क्रिएटिव लोगों में कोई लॉजिक नहीं होता, लॉजिकली तो वो भी सोचते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो दोनों हाफ्स हैं उनमें एक कॉम्युनिकेशन भी है। अभी कॉम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तो यहां देखो कॉर्पस कैलोसम द ग्रेट मीडिएटर, तो ये एक नर्व फाइबर का ट्रैक्ट होता है जो कि दोनों को कनेक्ट करता है और दोनों में कॉम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं राइट हाफ अलग है एकदम लेफ्ट हाफ अलग है, दोनों में एक कनेक्शन है, एक कॉम्युनिकेशन है और दोनों हाफ हमारे ब्रेन के साथ में वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हर एक हेमिस्फीयर में क्या पार्ट्स होते हैं। तो ब्रॉडली हर एक हेमिस्फीयर में चार लोब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब। क्या होता है कि कुछ मेजर फंक्शन है जो हर एक लोब परफॉर्म करता है, तो जानते हैं कि वो क्या क्या है। पहला है फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी हमारी रीजनिंग है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी जजमेंट है, वो सब यहीं से आ रही है। इसी तरह जो हमारे इमोशंस हैं वो भी यहीं से आ रहे हैं। अभी मैंने बताया था ना ब्रेन है इमोशन का सोर्स, दिल नहीं है, तो वो सारे यहाँ से फ्रंटल लोब से आ रहे हैं। इसी तरह जो भी बॉडी की मूवमेंट है, ऐसा भी मैं हाथ मूव कर रही हूँ अपना, तो ये सारा मेरा फ्रंटल लोब जो है उसमें गाइड कर रहा है मुझे, उसको करने में हेल्प कर रहा है। इसी तरह हमारा दूसरा लोब है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब किस किस चीज में हेल्प कर रहा है, तो जो लैंग्वेज को समझने की हमारी काबिलियत है उसमें इसका काम है। इसी तरह जो सेंसेशन होती है, कुछ भी हमें टच करता है या पेन होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, अरे गर्मी बड़ी बढ़ गई है ना, समझ तो आ ही रहा है, क्यों आ रहा है, पैराइटल लोब उसमें हेल्प कर रहा है। इसी तरह जो हमारी स्पेशियल विजुअल परसेप्शन है उसमें भी इसका रोल है। इसका क्या मतलब है कि तुम एक सर्टेन स्पेस देखते हो और सोचते हो क्या मेरी कार इसमें पार्क हो सकती है, क्या ये इनफ स्पेस है या नहीं है, तो वो होगी स्पेशियल विजुअल परसेप्शन। तो उसमें ये पार्ट तुम्हें हेल्प करता है जानने में हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरह पहचानना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 2D में दिख रहा है, कोई इमेज देख रहे हो वो 2D में दिख रही है या 3D में दिख रही है, तो इस सब में ये वाला पार्ट आपको हेल्प करता है। थर्ड लोब है ऑसिपिटल लोब। तो ये जो लोब है ये विजन में हेल्प करता है, तो पहचानना कि कोई इमेज जो दिख रही है उसका कलर क्या है या उसमें लाइट कितनी है, ज्यादा है या कम है,
तो इस केस में हमारा ऑसिपिटल लोब हमें हेल्प करता है। अब फोर्थ लोब है टेम्पोरल लोब, तो देख सकते हो ये कान के ऊपर है, तो यानी हियरिंग में ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो मेमोरी है हमारी वो भी इसके थ्रू है, और जो लर्निंग है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो जिन बच्चों को ये स्ट्रांग होगा कुछ नहीं बोलते होंगे पेपर में। तो ये चार लोब्स हैं, ऑल्दो मैंने इनके इंडिविजुअली आपको बताए फंक्शंस, पर ऑब्वियसली सब कुछ कनेक्टेड भी है। ये तो मैंने बताया कि डोमिनेंटली कौन सा पार्ट क्या कर रहा है, पर ऑब्वियसली चारों आपस में कनेक्टेड भी होते हैं ये फंक्शनली। तो ये कहानी थी हमारे सेरिब्रम की। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट सेरिबेलम की। तो ये जो पार्ट है सेरिबेलम, इसका मेन फंक्शन होता है पोस्चर एंड बैलेंस मेंटेन करना बॉडी का। तो इसको ऐसे समझो, सर्कस गए होगे शायद कभी तुम लोग, तो उसमें क्या होता है एक पतली सी वायर होती है और उसपे एक बंदा चल रहा होता है, तो उसका कितना अच्छा बैलेंस होता है ना, गिरता नहीं है वो, एक डंडा लेके अपना बैलेंस बना के चल ही देता है। इसी तरह कुछ योगा के पोजेस होते हैं बड़ा, उसमें मतलब बॉडी पोस्चर अच्छा होता है तो ही वो हो पाते हैं। तो उस सब में क्या हेल्प करता है सेरिबेलम। अब लास्ट पार्ट है हमारा ब्रेन स्टेम। तो देख सकते हो कि सेरिब्रम सेरिबेलम दोनों ही आपस में कनेक्टेड हैं ब्रेन स्टेम के थ्रू, और किसको जाके कनेक्ट हो रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो ब्रेन स्टेम सब चीजों को कनेक्ट कर देता है, पर इसका खुद का फंक्शन क्या है, तो खुद ये हेल्प करता है इनवॉलंटरी एक्शंस परफॉर्म करने में। अब ये इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, तो ऐसे एक्शंस जिनका हमारा थॉट का कंट्रोल नहीं है, थिंकिंग का कंट्रोल नहीं है। थिंकिंग का कंट्रोल नहीं है मतलब इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा क्रश आ रहा है सामने से, उसको देखा और हार्ट बीट हो गई तेज, अब तुम समझाओ ऑल इज वेल, रुक जा समझ जा रिलैक्स हो जा, पर ऐसा तो होता नहीं है। हमने सोचा और हो जाता तो बात ही क्या थी, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि थिंकिंग से कुछ एक्शंस हमारी बॉडी के कंट्रोल नहीं हो सकते, उन्हीं को हम बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ दी बॉडी। तो वो एक्शन हमारी ब्रेन स्टेम कंट्रोल करती है। तो क्या क्या हो गए वो एक्शन, एक मैंने अभी बताया हार्ट बीट, इसी तरह आपका ब्रीदिंग रेट, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो, वॉमिटिंग जैसे चीजें हो गई वो, है ना, झूले पे बैठ के वॉमिटिंग कौन करना चाहता है, कोई भी नहीं करना चाहता, पर क्या करें अपने कंट्रोल में थोड़ी ना है। तो वो सारी चीजें हमारा ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है। तो मेजरली तो ह्यूमन ब्रेन के यही पार्ट थे। अब आपने पार्ट समझ लिए तो हम आ गए करीब आइंस्टाइन के ब्रेन को समझने के। अब हम बात करते हैं कहानी के हीरो आइंस्टाइन की। तो पहली चीज जो यूनिक थी वो था उसका वेट। तो जो नॉर्मल मेल एडल्ट ह्यूमन ब्रेन होता है वो होता है 1400 ग्राम इन वेट, पर आइंस्टाइन का ब्रेन था सिर्फ 1230 ग्राम इन वेट। इससे क्या पता लगता है, वो कहते हैं ना बड़ा हमेशा बेहतरीन है, तो ऐसा हमेशा तो नहीं होता, एटलीस्ट ब्रेन के केसेस में तो शायद नहीं होता ऐसा। दूसरी चीज जो आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में यूनिक थी वो था उसका फ्रंटल लोब। तो अभी मैंने मेंशन किया था कि जो लोब्स हैं, जो सेरिब्रम है उसमें फोल्डिंग्स हैं। तो क्या देखा गया कि जो फ्रंटल लोब है आइंस्टाइन का वो एक्स्ट्रा फोल्डेड था। अब हमें पता है फोल्डिंग से क्या होगा कि भाई कोई चीज फोल्डेड है तो कम जगह में ज्यादा चीज आ जाएगी। तो यानी कि आइंस्टाइन के ब्रेन के कम स्पेस में ज्यादा न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल्स आ गए, उसकी वजह से क्या हुआ, आइंस्टाइन की थिंकिंग पावर काफी बढ़ गई। शायद तभी वो सोच सका कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो टाइम ट्रेवल के लिए यूज हो सकती हैं। तो ये चीज फ्रंटल लोब काफी यूनिक था आइंस्टाइन का। तीसरी चीज जो यूनिक थी आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में वो था उसका पेराइटल लोब। तो नॉर्मली हमारे पेराइटल लोब में एक स्ट्रक्चर होता है, एक गड्ढा होता है जिसे हम बोलते हैं पेराइटल ओपरक्यूलम। आइंस्टाइन के ब्रेन में वो नहीं था। वो ना होने की वजह से जो इंफीरियर पार्ट है पेराइटल लोब का उसे जगह मिल गई और वो फैल गया। अब मैंने पढ़ाते हुए क्या बताया था कि ये जो पेराइटल लोब है ये स्पेशल विजुअल परसेप्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइंस्टाइन का ये काफी बड़ा था एरिया, तो इसकी वजह से आइंस्टाइन 3D सेंस में सोच सका चीजों को। हम इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते और उसने 3D ऑब्जेक्ट्स को सोचना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से आइंस्टाइन की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा थी और वो फिजिक्स के फिनोमिना को प्रिडिक्ट कर पाया इसकी वजह से। तो ये तीसरी चीज जो इसमें यूनिक है वो क्या है, आइंस्टाइन का पेराइटल लोब। अब फोर्थ चीज जो आइंस्टाइन के ब्रेन में यूनिक थी वो था उसका कॉर्पस कैलोसम।
कॉर्पस कैलोसम क्या है? द ग्रेट मीडिएटर। वो कैसे यूनिक था? आइंस्टाइन का ना थिकर था वो, यानी नॉर्मल इंसान के मुकाबले 10-15% वो थिकर था। अब थिक होने की वजह से क्या हुआ, दोनों हेमिस्फीयर के बीच ना कम्युनिकेशन बढ़ गया। अब हमें पता है कोई भी रिलेशनशिप है जिसमें कम्युनिकेशन अच्छी है तो बढ़िया ही चलेगी। तो आइंस्टाइन के दोनों जो ब्रेन के हाफ्स थे उनके बीच बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन हुआ, उसकी वजह से आइंस्टाइन की थिंकिंग एबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई। एंड यस, दैट्स व्हाई ही वाज अ जीनियस। तो यही चार फैक्टर हैं जिसकी वजह से आइंस्टाइन जीनियस था। अब तुम कहोगे यार मतलब वो बचपन से ही जीनियस था क्या? तो जो पहले थ्री फैक्टर्स हैं वो तो देखो जेनेटिकली बचपन से ही उसका ब्रेन वैसा ही रहा कि जो लोब्स हैं उसमें फोल्डिंग ज्यादा है, फ्रंटल लोब में पैराइटल लोब का एक पोर्शन मिसिंग है, इसी तरह जो साइज है वो कम है, तो ये तो बाय उसका बर्थ होगा। पर जो ये फोर्थ पार्ट है कॉर्पस कैलोसम की थिकनेस, ये बाय बर्थ भी हो सकती है और ये भी हो सकता है एक्सपीरियंस से विद टाइम डेवलप हुई हो आइंस्टाइन के ब्रेन में। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि हम अपने ब्रेन की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब तुम कहोगे यार हमें भी बता दो कॉर्पस कैलोसम को कैसे डेवलप करें, हम कैसे जीनियस बने। तो देखो वेरियस स्टडीज हुई हैं, उन्होंने चार चीजें बताई हैं जो कॉर्पस कैलोसम की थिकनेस को बढ़ा सकती है। उसमें से पहली चीज है जगलिंग। देखा है ना सर्कस में जगलिंग करते हैं, बड़ी मुश्किल होती है सीखनी, सीख लो यार कॉर्पस कैलोसम के लिए अपने, चलो एक सिंपलर चीज। दूसरी चीज तुम क्या कर सकते हो, यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। इसका क्या मतलब है, सपोज मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरे को आदत है कि राइट हैंड से मुझे लिखना है, जब मैं ब्रश करती हूँ अपना राइट हैंड यूज करती हूँ, अब राइट हैंड ना यूज करके मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करूं तो इससे क्या होगा, मेरे ब्रेन के दोनों हाफ्स यूज करने में स्टार्ट कर दूंगी तो कॉर्पस कैलोसम की डेवलपमेंट अपने आप ही होने लग जाएगी, ये कर सकती हूं मैं। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं सॉल्विंग पजल्स। तो देखा गया है पजल सॉल्व करने की वजह से भी कॉर्पस कैलोसम की थिकनेस बढ़ती है। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग जो वेरियस स्टडीज बता रही है कॉर्पस कैलोसम को एनहांस करने के लिए, वो है म्यूजिशियंस की एबिलिटी। तो क्या देखा गया है, जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनमें कॉर्पस कैलोसम काफी डेवलप होता है, और जो आइंस्टाइन है ना वो वॉयलिन भी बजाता था, मल्टी टैलेंटेड था यार वो भी, तो वॉयलिन भी बजाता था, हो सकता है उसने उसके कॉर्पस कैलोसम को एनहांस करने में मदद की हो। भाई पूरा दिन डूबा तो वो रहता ही था, सोचता तो वो रहता ही था, तो हो सकता है कुछ जेनेटिक्स भी हो और कुछ उसकी सोच भी हो जिसकी वजह से उसका कॉर्पस कैलोसम इतना अच्छा डेवलप हो गया। डेफिनेट तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है कैसा वो दिखेगा, क्या पार्ट उसमें होंगे या नहीं होंगे, वो दो फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं, एक हमारी जेनेटिक्स और एक हमारी खुद की कृपा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे। तो इन चीजों से हमारा ब्रेन पैटर्न, ब्रेन डेवलपमेंट एंड ब्रेन पार्ट्स अफेक्ट होते हैं। तो जैसे कि हर एक का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, वैसा ही हर एक का ब्रेन यूनिक होता है। ये तो मैंने तुम्हें कुछ यूनिक फीचर्स आइंस्टाइन के बताए, हो सकता है तुम्हारा ब्रेन निकाले तो कुछ अलग ही यूनिक पता लग जाए, देखना पड़ेगा ना निकाल के। अब ना ऐसे तुम लोग बताओ मुझे कमेंट में कि तुम कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है अच्छे से डेवलप करना चाहते हो, कि मतलब ब्रेन का कौन सा ऐसा फंक्शन है जो तुम चाहते हो यार मेरा एनहांस हो जाए। फिर हम ना डिस्कस करेंगे कि किस एक्टिविटीज को करके वो पार्ट एनहांस हो सकता है, किस एक्टिविटी को करके उस पार्ट की डेवलपमेंट को आप अफेक्ट कर सकते हो। सो काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देके जा रही हूं आज मैं आपको इस वीडियो में, एंड आई ऑल्सो होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, अच्छी लगी हो। So please like and share this video and subscribe to my channel BioWorld BG. We will meet in the next video. Till then, adios.